हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ब्यूटी ब्लॉग में। मैं ब्यूटी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन अभी सुबह सुबह आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं आ रही थी, सब मतलब सब काम सुबह का सब काम ख़त्म करके मैं पूजा करने के लिए आ रही थी यहाँ मंदिर में अपने। तो मंदिर के यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि धुआं धुआं दिख रहा होगा आप लोगों को। धुआं इसलिए दिख रहा है कि यहाँ जब मैं इधर तुरंत आई हूँ वहीं सांप बैठा हुआ था। मेरी आहट उसको पता चली है तो फिर वो अंदर चला गया है। तो देखिए सपेरा बने हुए हैं और सांप को भगा रहे हैं। जो कि लोग कहते हैं कि हल्दी का धुआं देने से सांप निकल जाता है, भाग जाता है, हल्दी का गंध सांप बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो इसीलिए वहाँ हल्दी का धुआं दे रहे हैं। वैसे दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर सांप निकले छुप जाए तो फिर उसे कैसे निकालते हैं, कैसे उसको भगाते हैं। तो काफ़ी अच्छा धुआँ हो रहा है, देखते हैं सांप निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अरुई के पत्ते का रिक्वच बनाने। तो रिक्वच बनाने के लिए सबसे पहले पत्ते की ज़रूरत होती है। तो अब हम जा रहे हैं, पहले पत्ता काट लें उसके बाद फिर हम कुछ करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम पत्ता काटने, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि मेरा पत्ता यहाँ पे है। और ये ले लिए हैं हम बर्तन और ये ले लिए चाकू। अब हम काटेंगे। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है। अभी देखिए हम पत्ता काट चुके हैं तो अब चलते हैं इस पत्ते को लेके अपने किचन में। जो कि रिक्वच बनाने के लिए हम लिए हैं पत्ता, तो पत्ते को थोड़ा धो के साफ कर लेते हैं कि पे धूल मिट्टी ना लगा हो, कीड़े ना बैठे हो। तो थोड़ा सा इसको हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये मैंने पत्ता धो के रख लिया है अच्छी तरह से। और ये है हमारे रिक्वच का मसाला। ये देखिए लहसुन मिर्चा जो मैंने छील के रख लिया, लहसुन मिर्चा जो है धुल के रख लिया है। और ये अचार है। तो देखिए मेरे यहाँ सिलबट्टा है बट बहुत छोटा है, तो इस पर हम पीस नहीं सकते हैं। तो अब हम इसको मिक्सी में ही पीसेंगे। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो। जैसे कि दोस्तों हम ये मसाला तैयार कर चुके हैं, तो अब इसको हम लपेटेंगे पत्ते में। अब पत्ते में लपेट के फिर इसको उबालेंगे। तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी। तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी। तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी। तुम रह सके तो देखिए दोस्तों ये जो कि उबल के तैयार हो चुका है, तो बहुत लोग इसको उबला हुआ भी खाते हैं। तो अब हम इसको कट कर रहे हैं क्योंकि हम इसको इस तवे पे तलेंगे। समा है, तुम रह सकी तो रबा है। तो हमारा खाना बन के तैयार हो चुका है, हम जा रहे हैं अब खाने। जो कि देखते हैं रिक्वच हमारा कैसा बना है, टेस्टी बना होगा तो आप लोगों को भी बताएंगे कि हाँ टेस्टी बना है।